Uttar Pradesh Loni Rae Bareli Lo Pradhani Modi Paryatan Konasagutondi Live Lo Chuta. ये है कि लगभग 2000 नए कर्मचारियों को हमारी सरकार ने नियुक्त कर दिया है. इतना ही नहीं, अस्थाई कर्मचारियों की संख्या भी जहां वर्ष 2014 में सिर्फ 200 थी, अब आज ये बढ़कर लगभग 1500 हो चुकी है. आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, गर्व का एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में रायबरेली रेल कोच निर्माण के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है. साथियों, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए, देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे के अलावा हाईवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे हर क्षेत्र पर तेज गति से काम किया जा रहा है. यूपी में नदियों पर बन रहे वाटरवे हो, आधुनिक एक्सप्रेसवे हो या फिर गांव की सड़कें जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है. इसी मिशन के तहत रायबरेली में भी हर क्षेत्र में काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है. थोड़ी देर पहले ही 550 करोड़ रुपए की लागत से बने जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया है, उससे रायबरेली लालगंज से फतेहपुर होता हुआ सीधा बांदा तक जुड़ जाएगा. करीब 125 किलोमीटर के इस राजमार्ग से चित्रकूट धाम पहुंचने में भी सुविधा होगी. साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वास्थ्य ठीक करने के साथ साथ सरकार नागरिकों का स्वास्थ्य भी, आप सभी को, देश के जन जन को सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी प्रतिबद्ध है. रायबरेली खुद भी स्वस्थ रहे और पूरे क्षेत्र को स्वस्थ रखे, इसके लिए यहां पर बन रहे एम्स के काम को और गति दी गई है. आज यहां 425 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और हॉस्टल का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. मुंशीगंज में बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहां के एम्स का ही हिस्सा है. इसका लाभ पूरे रायबरेली और आसपास के दूसरे जिलों को होने वाला है. सरकार स्वास्थ्य के साथ साथ घर देने की भी चिंता कर रही है. केंद्र सरकार साल 2022 तक देश के हर गरीब परिवार को पक्की छत देने का प्रयास कर रही है. इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 125 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. जिनको घर मिलना वाला है उनको चाबी दे दी गई है और ये जो दिवाली गई उन्होंने अपने नए घर में दिवाली भी मनाई है. रायबरेली में भी जैसा अभी योगी जी ने बताया, अब तक 23,000 से भी ज्यादा घरों की चाबी मेरे गरीब परिवारों को, भाई बहनों को दी जा चुकी है.
थोड़ी देर पहले ही 500 और नए घर बनाने की शुरुआत भी की गई है। ये जो घर बन रहे हैं ये पहले की तरह सिर्फ चार दीवारें नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम जो घर बना के दे उसमें नल भी हो और नल में जल भी हो, बिजली का कनेक्शन भी हो, गैस का कनेक्शन भी हो और इज्जत घर शौचालय तो जरूर हो। भाइयों और बहनों, देश के इतिहास में दोस्तों देश के इतिहास में आज का दिन एक और वजह से भी बहुत विशेष है। 1971 में आज के ही दिन भारत की वीर सेना ने आतंक, अत्याचार और अराजकता की प्रतीक शक्तियों को धूल चटाई थी। इस युद्ध का हिस्सा रहे देश भर के सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूं। जो सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए, शहीद हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी अनेक वीर सपूत थे, उनको भी मैं 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सेना के शौर्य समर्पण के प्रति दिसंबर के सर्द मौसम में भी सरहद पर तैनात अपने प्रहरियों का गौरवगान करने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर, दोनों हाथ ऊपर कर दिए, मुट्ठी भींचकर मेरे साथ उन वीर जवानों के लिए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, सोचिए जिस भारत मां की जय के नारे पर आपको गौरव होता है, कुछ लोगों को इससे भी शर्मिंदा होते देखा गया है। ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें भारत माता के जयघोष से दिक्कत है, जिन्हें देश की परवाह नहीं है। साथियों, मोदी को उन्हें गाली देनी है मैं जानता हूं, मोदी पर वो किसी भी तरह एक दाग लगा देना चाहते हैं ये भी जानता हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि इसके लिए देश को ताक पर क्यों रख दिया गया है, क्यों देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज देश के सामने दो पक्ष है। एक पक्ष सत्य का है, सुरक्षा का है, सरकार का है, जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े। दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश की सेना ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।